आज की डेट पर हर एक के पास कोई ना कोई बैंक अकाउंट जरूर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि लो बैलेंस मेंटेनेंस वाला जो चार्ज बैंक मतलब कि डिडक्ट करते करते मतलब कि माइनस पे भी लेके जाता है, उसके ऊपर आरबीआई गाइडलाइंस का क्या रूल्स है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत करो, पूरा अंत तक देखो। बहुत ही अच्छा मतलब कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपके तक पहुँच जाएगा। मेरे ख्याल से ये जो इन्फॉर्मेशन है आरबीआई का जो भी गाइडलाइन है आपको नहीं पता है, एंड सारे बंदे मतलब कि बता दो, आपका दोस्त फैमिली या फिर आपका रिलेटिव सबको बता दो कि भाई एक्चुअल में ऐसा होता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे किसी किसी बंदे के मतलब कि जीरो बैलेंस का सेविंग्स अकाउंट होता है, जहां पे मतलब कि कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब कि वहां पे आप अगर एक भी रुपया नहीं रखोगे तो आपका बैंक जो है आपका अकाउंट से कोई भी मतलब कि चार्जेस मतलब कि कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करेगा। अगर यहां पे आपका अकाउंट 500 रुपये का है या फिर 1000 रुपये का है मतलब कि मेंटेन करना होता है, तो यहां पे क्या होता है, 500 रुपये वाला अकाउंट है तो भाई आपको 50 या फिर 60 रुपया पर मंथ, अगर आप मेंटेन नहीं करते हो वो बैलेंस, तो पर मंथ 50 से 60 रुपये यहाँ पे बैंक जो है वो डिडक्ट करता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी करता है, अगर अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं होता है तो वो लोग जो है अमाउंट को माइनस में शो करवा देता है, मतलब कि माइनस पे भी लेके जाता है। बहुत लोगों का मतलब कि 1000 का अकाउंट होता है तो उनका भाई 100-150 कर लेता है। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर और भी काफ़ी सारे बैंक है जिसका मतलब कि मेंटेनेंस बैलेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक मतलब कि 10,000 25,000। यहाँ पे क्या होता है, 10,000 का अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो पर महीने 500 से 600 रुपये तक यहाँ पे बैंक वाले डिडक्ट करता है, और कभी कभी तो ऐसा भी कर लेते हैं कि भाई माइनस पे भी लेके जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा IDFC फर्स्ट बैंक का अकाउंट है, एंड जहाँ पे 10,000 का मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे मैं 5-6 महीने से मतलब कि मेंटेन नहीं कर रहा था, क्योंकि ताकि मतलब ये वीडियो बनाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे मेंटेन ना करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 2 महीने मतलब कि 1000 रुपया मेरा पॉजिटिव बैलेंस था जो तो कट गया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,177 या 178 रुपया कुछ यहाँ पे मतलब कि माइनस पे लेके चला गया। तो चलो आज का मतलब कि इसी वीडियो में मतलब कि ये बात करेंगे भाई ये माइनस पे लेके जाने की मतलब कि राइट बैंक वाला का है या फिर नहीं है, पूरा कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन यहाँ पे जब तक आपका अकाउंट में बैलेंस होगा तब तक बैंक वाला जो है आपका अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपका बैलेंस मतलब कि जीरो है, बैंक में कोई भी पैसा नहीं है और आप बैलेंस मेंटेन भी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक वालों का कोई भी अधिकार नहीं है आपका बैंक का जो भी अमाउंट है वो माइनस पे लेके चले। तो यहाँ पे RBI ने साफ साफ मना करा है मतलब कि कोई भी बैंक वाले को कि भाई माइनस पे मत लेके जाओ, ये RBI गाइडलाइन खिलाफ है। अगर आपके साथ मतलब कि ऐसा मतलब कि सिचुएशन है कि भाई आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपना बैलेंस और बैंक वाला जो है आपका मतलब कि अकाउंट का जो बैलेंस है वो माइनस पे लेके जा रहा है, और आप जब भी मतलब कि अकाउंट क्लोज करने के लिए बैंक में जा रहे हो और बैंक वाला आपको बस ये पूछ रहा है कि भाई पहले तो आप अपना जो भी माइनस अमाउंट है उसको क्लियर करो, फिर आपका बैंक अकाउंट क्लोज होगा, तो आप उनको सब बता देना कि भाई RBI गाइडलाइन अकॉर्डिंग भाई ऐसा नहीं होता है, आप बैलेंस जो है वो माइनस पे नहीं लेके जा सकते हो। और अभी बात करते हैं कि यहाँ पे मेरा जो IDFC बैंक का मतलब कि स्क्रीनशॉट आपको दिखाए थे जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो बैलेंस मैंने कि माइनस पे गया था, तो यहाँ पे मैंने बैंक वालों के साथ बात किया है, मैंने उनको बोला कि भाई RBI गाइडलाइन खिलाफ मतलब कि ये काम कर रहे हो आप लोग, तो उन्होंने बोला कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तो आपका जो मतलब कि जितना भी बैलेंस जो है वो डिडक्ट किया है वो आपको पूरा रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब कि रिफंड करेगा। अभी मतलब कि जो 1000 का मतलब कि 1100 रुपये का उन्होंने माइनस किया है वो भी रिफंड करेगा, और जो 1000 रुपये मेरे अकाउंट में था वो भी रिफंड करेगा, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ सीन है आप RBI के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसका मतलब कि RBI हेल्पलाइन नंबर आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और बाकी आप अपना बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करके आप ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। बस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन है, आपको शायद नहीं पता था। अगर आपको मतलब कि थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो इन फ्यूचर ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए। और आप अपना रिलेटिव फैमिली या फिर फ्रेंड्स को ये मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिला है यहाँ से उनको प्लीज़ दे दो, ताकि उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, मतलब कि पैसा का चूना ना लग जाए। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए टाटा।